बजाओ, सब तालियां बजाओ जल्दी। गाइस आज है एग्जीबिशन का डे था एंड आपको दिख ही रहा होगा कि मैं आयन कर रही हूँ। एंड गाइस आज मुझे खुशी सबसे ज़्यादा इस बात की है, पहली चीज़ तो आज मेरी एग्जीबिशन है, दूसरी चीज़ भगवान राम अयोध्या आ रहे हैं, तो ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। एंड रुक जा एंड सेकेंडली मेरे मम्मी पापा, उन्होंने अभी तक मेरी एग्जीबिशन विजिट नहीं करी है, वो भी आ रहे हैं पहली बार एग्जीबिशन विजिट करने के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं फुल पैकेज डे, आज मैं बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ, पहली चीज़ भगवान राम की वजह से एंड दूसरी चीज़ मम्मी पापा भी आए हैं पहली बार, तो मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई होप मेरे दोनों दिन अच्छे जाएँ। जय श्री राम ये हमारी बड़ी बहन जी बैठी हुई है। सबके चेहरे पे खुशी देखो मेरी एग्जीबिशन की वजह से, मेरे चेहरे पे सिर्फ नींद ही है। एक तो मैं कल के कॉन्सर्ट से अभी तक उभर नहीं पाई हूँ, बस सपने में ज्ञान उठ जाए, अदरवाइज 24/7 अभी तो वो दिमाग में ही चल रहा है, पूरे कैब में भी मैं उसी के गाने सुनती हुई आई हूँ। मुझे एक बार और अटेंड करना है उसको, कौन उसे करने तो दो, तुम्हारे कहने पे थोड़ी आया हूँ। अपूरा दीदी बहुत परेशान है क्योंकि उसे यहाँ पे कोई तो साइड एक्ट्रेस दिखी है जिसको वो तब से ढूंढ रही है। बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत झपकी। यहाँ पर एक साइड एक्ट्रेस है, लेकिन हमें पता नहीं है कौन है, क्या है, नाम है, मेरा गूगल रिसर्च चल रहा है और मैं गूगल रिसर्च कर रही हूँ। टॉमी शू शू टू मैं झपकी मार चुकी हूँ लिटरली, यहाँ पे ऐसे ऐसे वाली बहुत तेज नींद आ रही थी, बट अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है और अब मेरा यहाँ से जाने का मन भी नहीं हो रहा है, अदरवाइज मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम दिख रही हो तो मैं दिखना नहीं है। सो गाइस हम एग्जीबिशन में आए हुए हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा है। ऊपर से सांगों की कटाई है, ये हमारी मदाई आ चुकी है। मुझे बहुत जो बाहर लॉबी में चिड़िया ना अभी तक गाइस ये होता, ओ शिट अभी तक ये होता था कि मैं और दीदी सेम सेंटेंसेस बोलते थे, आज का कोइंसिडेंस। संगीता बबीता नहीं, संगीता बबीता ज्यादा सूट होता था, पता नहीं राइम कर रहा। गाइज हमारी बैंड बजी हुई है क्योंकि स्टीव आयन में क्या जम गई, लाइम खार जम, पर खार अच्छा वो एक ही सहारा हमारे पास, तो अभी हम देसी इलाज कर रहे हैं इसका, नहीं तो किसी से मांग लेंगे, नहीं तो किसी से मांगेंगे, लेट्स सी अभी मे बी हो जाए, अपन फिर भी इतना क्लीन कर रहे हैं उसे। गाइज मैं नहीं उभर पा रही हूँ इस इंसान से, कपड़े पहनना कोई अपूर्व धीरे से सीखे। अरे तो स्लीप तो सीधी कर ली थी, करी थी जब अभी भी नहीं हुआ, वो नहीं हो रही ना गाइज, आज स्टीम आयन ने धोखा दे दिया, लंच टाइम आ गया अभी तक स्टीम नहीं हो पाई।
ये हमारी लेकिन लास्ट ड्रेस है फाइनली. सुबह हम कितने बजे साइन कर रहे हैं? 10 बजे साइन कर रहे हैं और अभी कितने बज गए? 1:15 घंटे. मतलब जनरली इतना टाइम हम लोग को कभी नहीं लगा, पहली बार लग रहा है. आयन ने धोखा दिया, मुझे तो लग रहा था यही 7-9 बजता है. बस ठीक है, छोड़ दो, देख के करोगे तो जल्दी होगा. वही वैसे भी नहीं हो रही, कोई भी डिजाइन कस्टमाइज हो जाएगा आपके लिए, आपके साइज में भी हो जाएगा. ये नकली क्लाइंट है, लेकिन कोई भी कलर कॉम्बिनेशन जो चाहिए वैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है. आपके ही दुकान है, देखिए. मम्मी आई हो तो कुछ खरीद के जाओ. खरीदेंगे ना मेरे स्टॉल से. पापा मम्मी को कुछ दिला दो, अब आए हो तो कुछ दिला के जाओ मम्मी को. अपने स्टॉल से कुछ दिला के जाओ. पूरी लाइन बुक, ठीक है. ये पूरी लाइन मम्मी के लिए, ठीक है. ये शॉपिंग का कीड़ा हमको इनसे मिला है. गाइस जो काम मुझे दोस्तों के साथ करना चाहिए था वो मैं पापा के साथ कर रही हूँ. हम लोग किसी और की शादी में मस्ती आए हैं. हम लोग स्कॉन आए हुए हैं. अंदर का तो हम कुछ कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज. आज मेरे बर्थडे वाले दिन से भी ज्यादा भीड़ थी. हाँ बर्थडे वाले से ज्यादा थी. आज कोई डांस भी नहीं कर रहा था, सब बैठे हुए थे. हाँ बहुत जल्दी दर्शन हो गए. हाँ ऐसे चलते चलते जल्दी हो गए, बट भीड़ बहुत थी. बर्थडे वाले दिन से ज़्यादा थी. पूरा फ्रंट बैक पूरा भरा था टाइट. मैं जब भेजे पे देती मैं. गाइस एग्जीबिशन थी, मैं बहुत थक गई. और एक बाइट देना पनीर नहीं. गाइस एग्जीबिशन थी, मैंने ढंग से लंच नहीं किया था. गाइस हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं और हम मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं. अब हम घर जा रहे हैं और हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं. हम सबके पैर कांप रहे हैं, सर कांप रहा है, बॉडी कांप रही है. हम लोग तो सुबह 5:30 के उठे हुए हैं, तुम 6 बजे. और मैंने मजे मजे में मम्मी के साथ भी खूब घूम लिया, पापा के साथ भी घूम लिया, बिन बुलाई शादी में भी चली गई. ऊपर से अभी स्कॉन भी, ऊपर से वहाँ इतनी लाइन लगी हुई थी खाने के लिए. ये लोग ऑलरेडी थके थे तो मैं और पापा गए, तो हवा टाइट हो चुकी है कि बस एक एक कदम बहुत भारी पड़ रहा है. 10 बज गए. राई साहब आ गए हैं. सले 10 बजे लास्ट चलो. भरा परिवार 10 बजे लास्ट. जादू अब जादू है, जादू तो सब तालियां बजाओ जल्दी. गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं घर एंड अब सब लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपको तो पता ही होगा सब लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं. सो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं. सो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ मनु में कुट्योर एंड मनु में मेक ओवर. बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में.